मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नदवा रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अपने खेतों में काम करने गए स्थानीय लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात तो शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर उसके शव को वहाँ फेंक दिया गया है। हम लोग बक्सर जा रहे थे बैंकिंग कार्य से, तो पता चला कि एक शव को यहाँ पर फेंका हुआ है पोल नंबर 658 और 59 के बीच में। तो हम लोग आकर देखे तो देखने से पता चला कि शव को लोग गर्दन में पट्टा मतलब फांसी उसी लगा करके उसको फेंका हुआ है। और उसके बाद हम लोग प्रशासन को सूचना दिए, प्रशासन आई हुई है, अब शव का पहचान अभी तक नहीं हो पाया है। दरअसल स्थानीय लोगों को रेलवे क्रॉसिंग के समीप बने 4 फीट गहरे पीट में युवती की लाश दिखाई दी। मृत युवती ने ब्लू जींस और मरून टॉप पहने हुए था। उसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही गले में सफेद रंग का पट्टा भी है। माना जा रहा है कि युवती की कहीं और हत्या करके उसके शव को यहाँ फेंक दिया गया है। मौके पर पहुंचे बक्सर DSP ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, नदाव गुंटी के पास मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक युवती का लाश मिला है, जिसमें जांच किया जा रहा है। FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। युवती की पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, हत्या का तो मामला है ही, लड़की की मृत्यु हो चुकी है तो हत्या है, बाकी अन्य बिंदुओं पर भी जाँच किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।